प्रधानमंत्री आवास योजना। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि जो जिनका जियो टैग हो गया है तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा है कब तक मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि जिनका जियो टैग हुआ है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा कब तक मिलेगा, और जिनका जियो टैग नहीं हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करवा सकते हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अभी जो है नया आवेदन हो रहा है, जो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है आवास योजना वाला, वो खोला गया है, जिसमें आवेदन भी कराया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, आवेदन कहाँ पर करना है, वो सारा चीज़ विस्तार पूर्वक जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, और मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो नया आवेदन हो रहा है तो उनको आवेदन कहाँ पर कराना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स को जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए, अभी जो है सभी पंचायत में, झारखंड राज्य के सभी पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है, सभी योजनाओं का जो फॉर्म है वो भराया जा रहा है। तो आपका अगर पंचायत में कैंप लगता है तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जरूर से जरूर जाइए, और जो भी योजना पसंद आए उसमें आवेदन कर दें। आवास योजना के लिए आप लोग आवेदन जरूर से जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो आवेदन है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट्स था, सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है या इसका जेरोक्स लेना है, क्योंकि जो जमा करना है तो जेरोक्स से जमा करना पड़ता है। तो आप अपने साथ में आधार कार्ड लेते चल जाइएगा। दूसरा नंबर पर ज़मीन का पर्चा, अति आवश्यक है कि आप अपना ज़मीन का पर्चा, जहां पर आपका निवास स्थान है उसका पर्चा ले लीजिएगा। तीसरा नंबर पे आपका जो लगेगा वो राशन कार्ड, राशन कार्ड का भी जेरोक्स लगता है, तो राशन कार्ड भी आप लोग लेते चलिएगा। चौथा नंबर पर जो आप लोगों का लगेगा बैंक पासबुक का जेरोक्स, तो बैंक पासबुक का भी जेरोक्स ले लीजिएगा, जहाँ पर सारा विवरण दिया गया है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर इत्यादि दिया हुआ हो। और पाँचवा नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपको एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी अपने साथ में ले लेना है, क्योंकि देखिए, अगर लेबर कार्ड के लिए अप्लाई हो रहा है तो आप लोग लेबर कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो PM आवास योजना के लिए आपका जो फ़ोटो है वो नहीं लगता है, बस आपका ज़मीन का पर्चा लगता है, आधार कार्ड लगता है, राशन कार्ड का जेरोक्स लगता है, और बैंक पासबुक का जेरोक्स लगता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका PM आवास योजना के लिए लगता है। अगर आपका पंचायत में कैंप नहीं लगा हो, उसके बावजूद भी आप जाएं पंचायत सचिव के पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दें, और उनको बोले कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन करवा दे, जो आवास प्लस में है नाम चढ़वा दे जियो टैग के लिए, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पंचायत सचिव चाहे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकता है, अदरवाइज कोई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है। आप ब्लॉक भी जाइएगा तो वहाँ से आपका काम नहीं बनेगा, जो काम होता है आवास योजना के लिए पंचायत से ही होता है। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जिनका जियो टैग हुआ है तो उनको पैसा कब तक मिलेगा। तो देखिए, जिनका भी जियो टैग हो गया तो नया जो वित्तीय वर्ष है अब चालू हो चुका है, अप्रैल महीना से शुरू होता है, और यह जो वित्तीय वर्ष है मार्च महीना तक चलता है, क्योंकि नया साल जो है हिंदू नववर्ष में वो अप्रैल महीना से ही शुरू होता है। जो सरकारी कैलेंडर में नया साल अप्रैल महीना से शुरू होता है, तो अप्रैल महीना से आप लोगों का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, और इसी महीना से आप लोगों का जो है PM आवास के लिए जिनका भी जियो टैग हुआ है, जिनका भी टारगेट में अगर नाम दिया जाएगा तो उन सभी को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक टारगेट भी निकाला जाता है। अगर उस पंचायत में पुराना टारगेट को पूरा कर लिया गया है तो ही नया टारगेट दिया जाता है। तो जिनका भी जियो टैग हुआ है तो अप्रैल मई महीना से है उनको उनका जो टारगेट है वो दिया जाएगा, उसके बाद उनका जो बैंक अकाउंट में है पैसा भेजा जाएगा, और पैसा जितना भी भेजवाने का कार्य पंचायत सचिव के द्वारा ही होता है, क्योंकि आवास का जितना भी कार्य होता है पंचायत सचिव के द्वारा होता है। और जो स्वयं सेवक होते हैं, पंचायत का स्वयं सेवक का बात कर रहा हूँ, जो पंचायत के स्वयं सेवक होते हैं उनके द्वारा ही आवास का कार्य कराया जाता है। तो आप पंचायत सचिव और स्वयं सेवक से जाकर संपर्क करें, उनको बोले कि उनसे आप लोग पता लगाइए कि आपका पंचायत में कब टारगेट दिया जाता है, किन लोगों का टारगेट दिया जाता है, और पैसा कब कब दिया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप इसी तरह के और भी झारखंड के अपडेट से जुड़ा रहना चाहते हैं तो
बी हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार जाते हैं।